वेलकम बैक डॉल चैनल व्यूअर्स। तो आज हम बनाएंगे मच्छी और मिक्स वेजिटेबल का सब्जी। तो यहाँ बहुत बारिश भी हो रहा है, तो ये मच्छी लेके आए डॉल के पापा। अब ये मस्त तेल में मछली का हम लोग फ्राई कर रहे हैं। मछली को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो रहा है मछली, ये देखिए। मौसम भी ठंडे का है तो जितना मसाला है, जो मसाला किया था हम लोगों ने वो सब डाल दिया है छोटी में। धीरे धीरे सब फ्राई हो रहा है। ये मिक्स वेजिटेबल, ये मसाला फ्राई हो रहा है। तो ये बनेगा आपका मिक्स वेजिटेबल। इसमें है गोभी, आलू, बैंगन और साथ में हम लोग नया कुछ मिलाएंगे, वो है राजमा। तो राजमा को हमने बॉयल करके रख लिया है। तो अभी मसाला फ्राई हो रहा है। तो नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद आपका एक सब्जी मसाला मिलता है वो हम लोगों ने दिया। आप कोई भी सब्जी मसाला यूज़ कर सकते हैं। उसे अच्छे से मिला दिया। उसके बाद ये मसाला सब फ्राई होने के बाद हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे। तो ये कुछ न्यू सा रेसिपी बनाया है हम लोगों ने। बारिश का मौसम है तो थोड़ा कुछ न्यू बनाते हैं, वो के बना रहे हैं। मिर्चा पाउडर भी दे दिया हमने, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही मिर्चा पाउडर दिया है। ज़्यादा देने से अच्छा भी नहीं होता। अभी हम लोग उसमें टमाटो भी दे देंगे, क्योंकि मसाले के साथ टमाटो भी पकना होगा। तो सब मसाला दे रहे धीरे 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 धीरे। टमाटर भी डाल लिया हमने। तो ये अभी मिक्स कर रहे हैं अच्छे से। तो ये प्रॉपरली मिक्स हो रहा है। अभी टमाटो भी फ्राई हो गया, ये अच्छे से फ्राई हो गया, मसाला एकदम पक गया। तो अभी मसाला अच्छे से पकाने के बाद इसमें हम लोग अभी सब्जी देंगे, जो गोभी, आलू, बैंगन और जो जो सब्जी आप लोग को पसंद है सब आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए सब्जी दिया जा रहा है। सब्जी अभी अच्छे से फ्राई करेंगे सब्जी को मसाले के साथ। तो धीरे धीरे सब सब्जी निकाल के अच्छे से डालना है कढ़ाई में, क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा है तो सब्जी भी ज़्यादा है इसीलिए। तो ये देखिए सब्जी दिया जा रहा है कढ़ाई पे। और बारिश भी इतना ज़्यादा हो रहा है इसलिए कुछ सुनाई भी नहीं देता। डॉल भी बहुत ज़्यादा जीत कर रही है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। तो डॉल को जैसे उसको मना से रखी हुई मैं, ये देखिए मसाला मिलाया जा रहा है सब्जी में अच्छे से। प्रॉपर लीजिए मसाला को, अच्छे से मिला लीजिए सब्जी में, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। धीरे धीरे हिलाइएगा और गैस की स्टीम मीडियम फ्लेम रखिएगा। ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा होने से जल जाएगा, कम होने से सब्ज़ी नहीं पकेगा, मसाला ठंडा हो जाएगा। मसाला ठंडा होने से सब्ज़ी अच्छा नहीं आता है। तो ये थोड़ा मिक्स हो ही गया है और थोड़ा बाकी है, अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे हम लोग। डॉल भी बहुत ज़्यादा जीत कर रही थी और डॉल को गोदी में बैठे मैंने वीडियो बनाया, इसलिए वीडियो सबसे बना भी नहीं, इसके लिए सॉरी व्यूअर्स। बट आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसे मिक्स वेजिटेबल के, मिक्स वेजिटेबल और उसमें हम लोग सब्जी का पानी निकले, पानी दिया हमने उसके बारे में। तो पानी सूख है, अभी मैंने राजमा डाल दिया। तो दूसरे राजमा को चेक किया जा रहा है, राजमा हुआ या नहीं हुआ, ये मिलाया जा रहा है। फिर सब्जी पक गया, लगभग सब्जी पकने पकी जा रही है। सब्जी में हम लोग डाल सब्जी मच्छी डाल दिया और सब्जी बन गया। ये देखिए मच्छी जमा हो गया सब्जी में। अभी थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर पकने देंगे, उसके बाद ये सब्जी बन जाएगा। राजमा ऑलरेडी हम लोग ने कुकर में बॉइल करके लिया था और सब्जी को अच्छे से हम लोग ने मसाले में पकाया, तो इसमें पानी देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बिना पानी के ही सब्जी पक गया। ये खुद का जो पानी निकला था उससे ही सब्जी बन गई। तो अभी मसाला डाल के ये देखिए सब्जी बन जरा अच्छे से, तो बन गया मछली का सब्जी। थैंक यू व्यूअर।